महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत बाल विकास परियोजना नगरोटा सूर्या द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नानाहार में किया गया, जिसमें पाठशाला की छात्राओं तथा सशक्त महिला केंद्र की महिलाओं को कुपोषण व खून की कमी पर जानकारी देगी। शिविर को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी का पर्यवेक्षक दलजीत धीमान ने बताया कि कुपोषण एक गंभीर समस्या है जो कि हमारे देश के विकास में बाधा बन रही है। इसका कारण हमारी गलत खानपान की आदतें हैं, जिससे हमारे शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। शिविर में आयुष विभाग से डॉक्टर आरती ने भाग लिया तथा बेटियों को खून की कमी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खून की कमी शरीर में दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। महिलाओं में खून की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। खून की कमी को दूर करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। शिविर के अंत में पाठशाला के प्रधानाचार्य रणजीत सिंह द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग का धन्यवाद किया गया। उन्होंने आवाहन किया कि ऐसे शिविर निरंतर आयोजित किए जाने चाहिए। शिविर में स्थानीय पाठशाला से श्री रामेश्वर शर्मा व अन्य अध्यापक गणों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज महिला बाल विकास विभाग की तरफ से स्थानीय पाठशाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नानाहार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो बच्चियों में स्वास्थ्यों के विकास से संबंधित था और विभाग की व्यक्तियों की तरफ से और डॉक्टर के माध्यम से जो बच्चियों को जानकारी दी गई ये बहुत ही लाभप्रद और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको संचेत और जागरूक करने के संबंधी दी गई। मैं प्रिंसिपल स्थानीय पाठशाला इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं विभाग से निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर पाठशालाओं में गांवों में आयोजित किए जाने चाहिए ताकि इसका विशेष लाभ बच्चियों को मिले और कमजोर स्वास्थ्यों के जो भी महिलाएं हैं उनको भी इनका पूरा लाभ मिले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए देहरा से शिव गुलेरिया की रिपोर्ट।